नवरात्रि में ग्रह प्रवेश के लिए शुभ माने जाते हैं कुछ दिन। आज हम आपको इनसे जुड़े हुए कुछ जरूरी नियम बताने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छोड़ पाए। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों का समय माँ दुर्गा की उपासना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दौरान माता के भक्त 9 दिन तक व्रत रखकर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिन गृह प्रवेश के लिए बहुत ज्यादा शुभ भी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के जानकार ये भी बताते हैं कि इस दौरान गृह प्रवेश किया जा सकता है। इस दौरान बिना मुहूर्त देखे नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी नवरात्रि में गृह प्रवेश की योजना कर रहे हैं, अगर आप योजना बना रहे हैं गृह प्रवेश की, तो कुछ ज़रूरी बातों का जान लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए आपको बताते हैं नवरात्र के दौरान गृह प्रवेश के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कलश का खास महत्व होता है, इसलिए नए घर में प्रवेश करते वक्त कलश को साथ में रखें। साथ ही कलश में जल भरकर उसमें आम की 5 पत्तियों वाला पल्लव और साथ ही साथ जलयुक्त नारियल जरूर रखें। इसके अलावा कलश और नारियल पर लाल चंदन या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। नवरात्रि के दौरान गृह प्रवेश से पहले घर के मेन गेट पर आम के पत्ते, अशोक के पत्ते के तोरण जरूर लगाएं और इसे लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा मुख्य प्रवेश द्वार पर माँ लक्ष्मी के पैर चिन्ह भी ज़रूर बनाएं। संभव हो तो रंगोली भी बना सकते हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि गृह प्रवेश के समय पूजन सामग्री के तौर पर नारियल, अक्षत, हल्दी, गुड़ इत्यादि की व्यवस्था पहले से कर लें। गृह प्रवेश के दौरान पति पत्नी एक साथ ही घर में प्रवेश करते हैं, ऐसे में इस बात का ज़रूर खास ध्यान रखना चाहिए। दरअसल ऐसा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। गृह प्रवेश के समय पत्नी को अपना बायां पैर और पति को अपना दायां पैर पहले बढ़ाना चाहिए। नए घर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का ज़रूर ध्यान करें और उनके मंत्रों का उच्चारण भी करें। इसके बाद ईशान कोण में बने पूजा घर में मंगल कलश स्थापित करें। इसके साथ ही वहां गणेश जी की मूर्ति, श्रीयंत्र और दक्षिणवर्ती शंख की स्थापना और पूजा भी करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान गृह प्रवेश करने के बाद घर के कोने कोने में गंगा जल और हल्दी चावल का छिड़काव भी ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ करना या करवाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो नवरात्रों में अगर आप कर रहे हैं गृह प्रवेश तो इन बातों का रखें बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल मोक्ष के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट पाए।